हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीथिंग इज गुड। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, जो पेपर है सैंपल पेपर 2021 सीबीएसई का बायोलॉजी का, तो इसमें काफी सारे चेंजेस हैं। पहले 1 मार्क के क्वेश्चंस में अभी 14 हो चुके हैं और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते थे, तो अब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है वो डाल दिए गए हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके पास दो रहेंगे, एक 15 और एक इससे अगला 16। अब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में एक पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ को रीड करके आपको अपने कॉन्सेप्ट को एक्टिवेट करना है। और फिर इसके बाद में नीचे दिए गए 5 क्वेश्चंस में से कोई भी 4 क्वेश्चन जो है वो फॉलो आंसर करने, 4 क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। टोटल 5 हैं, आप कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, चॉइस। अब तक सिर्फ एक मिली है, वो भी क्वेश्चन नंबर 11 में। इन चारों क्वेश्चंस में कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं है, ठीक है? तो अब देखते हैं, एक पैराग्राफ दिया हुआ है और ये अनसीन पैसेज टाइप का है जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, बट इसमें सिर्फ एक आउटलाइन दी गई है। इसमें से इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में से आप कोई भी आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे, बहुत मुश्किल है। तो एक जगह है जहां पर ड्रैगन फ्लाइज काफी ज्यादा है और ड्रैगन फ्लाइज जो है कुछ पॉजिटिव इकोलॉजिकल इंपैक्ट शो करते हैं। तो यहाँ पे एक फिनोमिना काम कर रहा है जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल या बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। इसमें किया क्या जाता है, इसमें ये किया जाता है, जैसे ड्रैगन फ्लाई जो है मॉस्किटो पे फीड करता है, और जो ड्रैगन फ्लाइज हैं उन ड्रैगन फ्लाइज का जो मेन फूड है वो निम्फ स्टेज से स्टार्ट हो जाता है, यानी निम्फ स्टेज से ही वो मॉस्किटो के लार्वा वगैरह को खाना शुरू कर देते हैं। तो मॉस्किटो की जो पॉपुलेशन है वो काफी हद तक कम हो जाती है। हमें एक चीज का पता चला कि देयर आर टू स्टेजेस, वन इज निम्फ, सेकेंड इज ड्रैगन फ्लाई एडल्ट। तो ये दोनों जो है मस्कीटो को कंट्रोल रखते हैं। कम्युनिटी वाइड मस्कीटो कंट्रोल प्रोग्राम स्प्रे इंसेक्टिसाइड। और एक चीज इसमें ये डाल दी गई कि ये ऊपर जो है बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, और नीचे जो इंसेक्टिसाइड डाला गया है ये एनवायरमेंटल के अगेंस्ट काम करता है। तो जैसे ही मस्कीटो मरेंगे उसके साथ साथ ड्रैगन फ्लाइज भी मर जाते हैं, क्योंकि जो डेड मस्कीटो होंगे या स्प्रे किया जाएगा इंसेक्टिसाइड का, तो वो ड्रैगन फ्लाइज को भी किल करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, नॉट हेल्पफुल एक्चुअली। अब इसमें क्वेश्चन है 5 और पहला क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। द अप्रोच टू बायोलॉजिकल कंट्रोल इंक्लूड, यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल में सबसे मेन चीज क्या है, कौन सी अप्रोच है, किस तरह से हम बायोलॉजिकल कंट्रोल को अप्रोच करते हैं। इंपोर्टेंट, रिलीज इंसेक्ट पेस्ट फ्रॉम न्यू एरिया, दूसरे एरिया से इंसेक्ट पेस्ट को लेके आएंगे। क्यों लेके आएंगे, इंसेक्ट पेस्ट तो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, उन्हीं को तो कंट्रोल करना है, गलत ऑप्शन है। दूसरा, इंपोर्टेंट, रिलीज नेचुरल एनिमीज फ्रॉम नेटिव होम ऑफ एलियन इंसेक्ट, यानी आपके लोकैलिटी में कोई दूसरी जगह से एलियन इंसेक्ट पेस्ट की स्पीशीज आ चुकी है, और वो पेस्ट स्पीशीज जो है आप सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि ये कहाँ की नेटिव है, यानी कहाँ की रहने वाली है, और फिर उसके बाद आप वहीं से नेचुरल उसके एनिमीज को लेकर आ रहे हैं। तो ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है अगर मच्छर यहाँ पर सर्वाइव कर जाते हैं तो उसका जो नेचुरल प्रेडेटर होगा वो भी वहां सर्वाइव कर पाएगा। सी है प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज, यानी प्रेडेटर्स और पैरासिटॉइड्स, यानी जो भी प्रेडेटर होते हैं जो उस पर्टिकुलर जगह पर प्रेजेंट हैं, आप उन्हें क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एरिया के अंदर जो भी नेचुरल एनिमी है उनका प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, यानी उन्हें बचा के रख सकते हैं। फिर उसके बाद यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, जैसे ही आपने पढ़ा तो ये तो मामला दूसरा हो गया, आप इस ऑप्शन को भी गलत करें, आपका सही आंसर हो जाएगा सी। सिर्फ क्या करना है, कोई लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी आपको, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15 एक हेडिंग डालो, उसके बाद वन हेडिंग डालो यानी फर्स्ट, और उसके बाद आंसर लिख दो इसका सी, और सी क्या है जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है वो। इसके बाद सेकेंड है, टू डिजीज लेस लाइकली टू अकर इन अ रीजन वेयर प्लेंटी ऑफ ड्रैगन, यानी जहां पर ज्यादा ड्रैगन फ्लाई होंगे। अब ड्रैगन फ्लाई अगर मस्कीटो को खा रहे हैं तो मस्कीटो से फैलने वाली जो डिजीज है वो नहीं होगी। अब इसमें दो डिजीज है, एक तो होती है मलेरिया और दूसरी होती है येलो फीवर, जिसमें वेक्टर जो है वो मस्कीटो होता है, ठीक है? अमीबिक डिसेंट्री ये वाटर बॉर्न डिजीज है, टाइफॉइड दोनों ही कंडीशन में वाटर बॉर्न डिजीज, और मस्कीटो इसके लिए वेक्टर नहीं है, तो सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, थर्ड क्वेश्चन में ड्रैगन फ्लाई इंडिकेट पॉजिटिव इकोलॉजिकल इंपैक्ट, यानी पॉजिटिव इकोलॉजिकल इंपैक्ट का मतलब कि जहां पे इंसेक्टिसाइड डाल दिया वहां पे एनवायरनमेंट का क्या होगा नुकसान, कैसे? जैसे वाटर बॉडी के ऊपर सबसे ज्यादा कहाँ फैलता है मच्छर, जो है वाटर के आसपास, स्टेगनेंट वाटर के आसपास, खड़े हुए पानी के पास। तो हम उनको मारने के लिए क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं।
वहां से वो पहुंचता है वाटर बॉडी में, वाटर बॉडी से वो पहुंचता है फिशेज में, फिशेज से वो जाता है जो भी बर्ड है उन फिशेज पे प्रिडेट करता है, उन फिशेज को खाता है, वहां से वो किसी और के पास हायर बर्ड में चला, इसी तरीके से बायो मैग्निफिकेशन होती रहती है और दैट इज अ डेवास्टेटिंग प्रोसेस। सो ड्रैगन फ्लाई जो है वो क्या चीज शो कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ ड्रैगन फ्लाई इंडिकेट पोल्यूशन, पोल्यूटेड वाटर, नहीं कोई कोई वो नहीं है कि पोल्यूटेड वाटर को इंडिकेट करेगा, देयर इज नो चांस। ड्रैगन फ्लाई निम्फ सेलेक्टिवली ईट मॉस्किटो लार्वा, नहीं सिर्फ निम्फ ही थोड़ी खाते हैं, एडल्ट ड्रैगन फ्लाई भी खाता है, हाँ निम्फ खाते हैं बट एडल्ट भी खाता है। तो हमें जो सबसे ज्यादा एप्लीकेबल ऑप्शन है वो चूज करना है। ड्रैगन फ्लाई डू नॉट कॉज एनी हार्म टू बेनिफिशियल स्पीसीज, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, और सबसे ज्यादा जो एप्लीकेबल है दे हेल्प इन डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज स्प्रेड बाय वेक्टर्स। वेक्टर कौन है, मस्कीटो। ड्रैगन फ्लाई किस पे फीड कर रहे हैं, मस्कीटो पे, तो वेक्टर्स जो कम हो जाएंगे तो उसकी वजह से प्रोबेबिलिटी जो है डिजीज स्प्रेड की वो भी कम हो जाएगी। इफेक्टिव स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ड्रैगन फ्लाई, यानी कौन सी स्टेज इफेक्टिव है, तो सबसे पहले हमने देखा था निम्फ एंड एडल्ट ये दोनों। अब ये क्वेश्चन जो है आपके दिया हुआ है पैराग्राफ में। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है असर्शन रीजनिंग का है, और जरूरी नहीं है कि आप असर्शन रीजनिंग को करेंगे, आपको पांच दिए उनमें से कोई भी चार करने। असर्शन क्या है, रिलीजिंग ड्रैगन फ्लाई इन द एरिया वेयर देयर इज एन आउटब्रेक ऑफ मलेरियल डिजीज कैन बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ कंट्रोल। ऑब्वियसली बायोलॉजिकल कंट्रोल में नेचुरल प्रीडेटर को अगर हमने प्रिजर्व करके रखा हुआ दैट विल लीड टू पर्टिकुलर कंट्रोल इन द वेक्टर पॉपुलेशन। अब इसका रीजन क्या दिया हुआ है, ड्रैगन फ्लाइज आर डोमिनेंट स्पीशीज एंड विल नॉट अलाउ मस्कीटो टू रिप्रोड्यूस। क्या ऐसा कुछ होता है, एक कोई भी स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के रिप्रोडक्शन में कभी भी, बहुत रेयर से रेयर चांस है कि वो उसके रिप्रोडक्शन में उसकी लाइफ से मार के खा सकती है, पैथोजन हो सकती है, सिम्बायोटिक हो सकती है, कॉम्पिटिटिव हो सकती है, कमेंसलिज्म या एमेंसलिज्म दोनों शो कर सकती है, बट कभी भी उसकी लाइफ साइकिल में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करती अदर देन प्लांट्स। रीजन जो है वो गलत है, डोमिनेंस कोई मतलब नहीं है कि मस्कीटो को रिप्रोड्यूस होने से रोक लेगा। एसर्शन सही है, बायोलॉजिकल कंट्रोल में हेल्प कर रहा है, बट रीजन क्या है, गलत है। तो पहले दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, क्योंकि यहां क्या दिया हुआ है, बोथ एसर्शन रीजन आर ट्रू, एसर्शन रीजन आर ट्रू, तो दोनों तो इनको गलत ही कर दो। फिर इसके बाद एसर्शन रीजन दोनों फॉल्स है, नहीं फॉल्स कैसे है, ये तो बिल्कुल सही है एसर्शन इसकी, तो सी आंसर विल बी करेक्ट कि जो एसर्शन है वो सही है बट रीजन जो है वो फॉल्स है। इसके बाद क्वेश्चन आता है सिकल सेल एनीमिया पे बेस्ड, और इसमें आपकी दो तीन कॉन्सेप्ट जो है बहुत क्लियर होनी चाहिए। पहला तो है किस तरह की ये डिजीज है, ये डिजीज होती है ऑटोसोमल मैंने गलत लिख लिया, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। दूसरा इसके पीछे कौन सी जेनेटिक म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल है, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है मिससेंस। क्या होती है मिससेंस, मिससेंस में जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका इस तरह से चेंज हो जाता है कि पहले जो कोडोन प्रेजेंट था वो किसी और अमीनो एसिड के लिए कोड करता था, और नया एक्सचेंज के बाद में जो कोडोन है वो किसी और अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। तो यहां पर सिक्स्थ पोजिशन पे पहले ग्लूटामाइन ऐड होता था इनटू द पेप्टाइड, और अभी चेंज होकर वो क्या हो गया, वेलिन। जब ग्लूटामाइन ऐड होता था तो HBB वाज नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोटीन, और इससे बनता है HBS, ठीक है। अब एक चीज और है, अगर ये रिसेसिव है तो यहां पर कैरियर्स होंगे, और इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में कैरियर्स की जगह यूज किया हुआ है ट्रेट, ठीक है। कैरियर्स की जगह क्या यूज किया है, ट्रेट यूज किया है, तो ट्रेट का मतलब कैरियर। और कैरियर की कंडीशन क्या होती है, कैरियर की कंडीशन होती है एक डोमिनेंट और एक कंडीशन रिसेसिव, ये होती है कैरियर की कंडीशन, ये होती है नॉर्मल की। कौन सी डिजीज में, ऑटोसोमल रिसेसिव में, ऑलवेज रिमेंबर रिसेसिव में ही कैरियर्स होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट में कैरियर नहीं होते। फिर इसके बाद ये कंडीशन है डिजीज की कंडीशन। तो देखिए तीन आपके पास सिनेरियो दिए हुए हैं, थ्री इनहेरिटेंस सिनेरियो दैट कैन लीड टू चाइल्ड हैविंग सिकल सेल एनीमिया। पहला, बोथ पेरेंट्स हैव सिकल सेल ट्रेट, दोनों पेरेंट्स के पास सिकल सेल ट्रेट है, और ट्रेट का मतलब क्या है, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, तो दूसरे पेरेंट के पास भी कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, करेक्ट।
वन पेरेंट हैज सिकल सेल एनीमिया एंड अदर हैज सिकल सेल ट्रेट, एक के पास कैपिटल सॉरी डिजीज कंडीशन है, देन इट विल बी स्मॉल ए एंड सिकल सेल ट्रेट मतलब कैपिटल है और स्मॉल ए। तीसरे के पास तीसरी कंडीशन में है दोनों पेरेंट जो है वो सिकल सेल एनीमिया कैरी करते हैं यानी स्मॉल ए और स्मॉल ए। क्लियर है? अब आ जाते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। पहला, सिकल सेल एनीमिया इज व्हाट टाइप ऑफ डिजीज? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। इफ बोथ पेरेंट्स हैव सिकल सेल ट्रेट यानी कैपिटल ए, सॉरी आप बहुत गलतियां हो रही हैं, उसका कारण ये है कि इससे पीछे मैंने इसी वीडियो को पहले एक बार बनाया था बट ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच उसमें बिल्कुल भी आवाज नहीं थी, तो आई एम मेकिंग इट अगेन। सिकल सेल ट्रेट जो है वो इस तरह की है, कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए, बोथ ऑफ द पेरेंट्स आर हैविंग, तो कितने परसेंट चांस है कि किसी भी बच्चे में सिकल सेल एनीमिया होगा, यानी इस कंडीशन के कितने चाइल्ड होने के चांसेस है, मतलब एक चाइल्ड के पास कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि उसके पास ये डिजीज्ड कंडीशन आ जाएगी। तो हम देख लेते हैं, पुनेट से स्क्वायर बना लेते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये आपके दो जगह पर काम आएगा, 1:2:1 यानी 25%, यानी 50% और यानी 25%, इसको याद रखना। अब हमें स्मॉल ए स्मॉल ए की कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी दिख रही है, इट इज 25, आंसर ए विल बी करेक्ट। सेकंड कंडीशन, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ बोथ पेरेंट्स हैव सिकल सेल ट्रेट यानी यही सेम कंडीशन, देन देयर इज डैश परसेंट ऑफ चाइल्ड हैविंग सिकल सेल ट्रेट। अभी क्या था, अभी था डिजीज्ड कंडीशन, अभी क्या बता रहा है कि जो चाइल्ड है उसका ये जीनोटाइप होना चाहिए, कितने में होता है, दो में होता है यानी 50% में। सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। और इसके बाद अगला आता है, इफ वन पेरेंट हैज सिकल सेल एनीमिया यानी एक के पास कंडीशन है स्मॉल ए स्मॉल ए की और दूसरे के पास ट्रेट है, तो इधर क्या बनेगा, इट इज स्मॉल ए स्मॉल ए, दिस विल लीड टू कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। कंडीशन फुलफिल हो रही है, पेरेंट की एक कंडीशन थी, अब बच्चे के लिए हाउ मेनी चांसेस आर देयर कि बच्चा जो है उसके सिकल सेल एनीमिया होगा या उसको वो कैरियर होगा। तो ये है ट्रेट की कंडीशन, कैरियर की कंडीशन, और ये है डिजीज्ड की कंडीशन। अब दोनों चारों जो हैं, दो ये हैं और दो ये हैं, यानी 50-50 चांसेस हैं कि बच्चे को या तो सिकल सेल एनीमिया होगा या तो वो डिजीज होगा और या तो वो ट्रेट को कैरी करेगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, अब यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ में क्या है, ईयर वाइज 1998 से लेके 2005 यानी 2005 तक का एक कैलकुलेशन है केन्या कंट्री का। उधर कहने के लिए ये होता है कि जो सिकल सेल एनीमिया जिन लोगों को है उन लोगों को मलेरिया के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। अब देखो, ये जो ब्लैक ये है वो लोग जिनको सिकल सेल एनीमिया है और जिनको मलेरिया है, ये ब्लैंक वाले हैं वो लोग जिनको सिकल सेल एनीमिया नहीं है और मलेरिया है, यानी ये मलेरिया डिजीज के पेशेंट्स की काउंटिंग दी हुई है, इनको नहीं है और इनको है, ठीक, इनको सिकल सेल एनीमिया है और इनको सिकल सेल एनीमिया नहीं है, ठीक है, ये काउंटिंग सेम रहेगी। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द अबव डाटा, पेशेंट्स विद सिकल सेल एनीमिया आर लेस लाइकली टू बी इंफेक्टेड विद मलेरिया। बिल्कुल ठीक आता है, आप यहां देख पा रहे हो कि सिकल सेल एनीमिया जिन लोगों को है उनमें मलेरिया की कंडीशंस कितनी है, कभी 10 पेशेंट, कभी 8 पेशेंट, कभी 7 पेशेंट, कभी 15 पेशेंट, कभी 4 पेशेंट, इस तरह से चल रहा है। अब एक और एक ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरा ऑप्शन कहता है पेशेंट विद एससीडी यानी सिकल सेल डिजीज आर मोर लाइकली टू इन्फेक्टेड विद मलेरिया, ये तो पहले वाले से ऑपोजिट है ना। अब अगर ये ऑप्शन सही है तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। ओवर द ईयर द परसेंटेज ऑफ इन्फेक्टेड पीपल विद मलेरिया हैज बीन डिक्रीजिंग, सही है कि गलत है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है मामला,
ये ऑप्शन है बिल्कुल सही। अगला क्या, ईयर 2000 सॉ द लार्जेस्ट परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन मलेरियन पेशेंट विद एंड विदाउट एससीडी, यानी जो कंडीशन यहाँ की है और जो कंडीशन यहाँ की है दोनों के बीच में रेशियो की बात कर रहा है कि सबसे ज्यादा रेशियो जो है वो ईयर 2000 रेशियो में डिफरेंस हुआ है 2000 में देखा गया था। तो नहीं, ऐसा नहीं है। 1999 में 8 पेशेंट ऐसे थे जिनको सिकल सेल एनीमिया के साथ साथ मलेरिया था और 2523 पेशेंट ऐसे थे जिनको बिना सिकल सेल एनीमिया के मलेरिया था। मतलब डिफरेंस ज्यादा 1999 में है, यहाँ पे 2000 में 11 पेशेंट ऐसे हैं जो एससीडी प्लस मलेरिया के हैं और 2316 पेशेंट ऐसे हैं जो विदाउट एससीडी मलेरिया के हैं। तो मतलब ये रेशियो जो है वो कम डिफरेंस का है और ये रेशियो जो है वो ज्यादा डिफरेंस का है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो भी इनकरेक्ट हो जाता है। अब देख लीजिए कि इसमें से कौन सी जो है वो ज्यादा अप्लाई होती है। दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन 1 इज ट्रू, है तो ट्रू बट बाकी इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 एंड 4 आर ट्रू, पहला तो सही है बट चौथा गलत है। ऑप्शन 3 एंड 2 आर, तीसरा तो ठीक है बट दूसरा गलत है। एक ही ऑप्शन बचता है, पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन डी को आप जो करेक्ट कर दो, ठीक है। सो ये हो चुके हैं हमारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस और आप इसमें बहुत कभी भी इस पे मत ध्यान रखना कि आपके पैराग्राफ में क्या दिया हुआ, क्योंकि जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए इन्होंने पैराग्राफ लिखा है एज अ इंडिकेटिव कि हम कॉन्सेप्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं बस। इसके अलावा ये क्वेश्चन जो है आपको अपने बेसिस पे ही करने हैं। एक आधा कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर वो मतलब जो बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है उसका आंसर आपको पैराग्राफ में मिल सकता है बट बाकी आपको अपने हिसाब से सॉल्व करने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट वाज मी विजय एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड वी हैव टू मोर वीडियोज ऑन दिस। सो डिटेल्स को जारी रखने के लिए फटाफट से मोटिवेट करो, एक सब्सक्राइब दे। थैंक यू सो मच।